हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग रिसोर्स ग्रुप के बारे में जानेंगे कि एजोर पोर्टल पे रिसोर्स ग्रुप का क्या रोल होता है और कैसे इसको डिलीट करना है। रिसोर्स ग्रुप है क्या और इसको डिलीट क्यों करना चाहिए? ठीक है, रिसोर्स ग्रुप क्या क्या होते हैं, ये सारी सारे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे और इसका मैं प्रैक्टिकल लैब भी दिखाऊंगा कैसे इसको डिलीट करना है और सारे क्या क्या रिसोर्सेस कहाँ कहाँ रहते हैं। तो चलिए शुरू करते लैब। और लैब शुरू करने से पहले, कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले, अगर आपको लाइव ट्रेनिंग अटेंड करनी है कोई भी, तो हमारा एप्लीकेशन, अगर अब तक आपने डाउनलोड नहीं किया, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे लिंक, और एनरोल कर सकते हैं। कॉम्बो बैच हमने लॉन्च किया है क्लाउड इंजीनियर के लिए, ADCME बैच, जिसमें ढेर सारी टेक्नोलॉजी आप जाके देख सकते हैं। और इंडिविजुअल कोर्सेस, अगर लाइव ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी है, एप्लीकेशन पे कोर्स करने के फायदा है कि आपको लाइव सेशन मिलेगा, वन टू वन डिस्कशन रहेगा और रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, नोट्स मिलेगा और प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं रिसोर्स ग्रुप के बारे में। रिसोर्स ग्रुप क्या होता है? एज्योर पोर्टल के ऊपर जो भी टास्क हम करते हैं, ठीक है, पहले मैं एक सिनेरियो के साथ आपको विजुलाइज करके बताऊंगा, आपका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि एक हमने यहाँ पे ले लिया वर्चुअल मशीन, यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन ले लेते हैं, ठीक है, हमने एक वर्चुअल मशीन बनाया, राइट। जब हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं, लेट्स से इसका नाम हम दे देते हैं VM1, ठीक है, हमने एक वर्चुअल, जब हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो होता क्या है, वर्चुअल मशीन के साथ, है ना, जब वर्चुअल मशीन बना रहे होंगे उस समय एक वर्चुअल डिस्क हम इसके अंदर ऐड करते हैं, एक वर्चुअल डिस्क हम ऐड करते हैं, राइट। और ये डिस्क जो होती है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होती है, जैसे अगर हम बात करें कि विंडोज सर्वर या उबंटू जो भी है, आई एम टॉकिंग अबाउट विन सर्वर, विन सर्वर 2019 सपोज, ठीक है। तो ये जो है, ये इमेज है, राइट, और इसको हम बोलते हैं OS डिस्क, इसको हम बोलते हैं OS डिस्क। 127 GB का बाई डिफॉल्ट ही रहता है, आप देखेंगे जब भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे, आप देखना जब आप डिस्क अटैच करेंगे, है ना, जो भी इमेज आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद डिस्क में जाएंगे, ऑटोमेटिक 127 GB की ये क्रिएट होती है यहाँ पे, राइट। तो कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, हम ठीक है OS डिस्क लिख रहे हैं, बस 127 GB की, राइट। तो एक रिसोर्स ये हो गया। इसके साथ में क्या होता है, जब हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं, ठीक है, तो इसके साथ में एक नेटवर्क, है ना, इस वर्चुअल मशीन से एक NIC अटैच होती है यहाँ पे, नेटवर्क पोर्ट, ठीक है, जिसको हम VNIC बोलते हैं। अगर हम इस भाषा में देखेंगे, ये जो डिस्क है ये क्या है, वी डिस्क, वर्चुअल डिस्क है, राइट, और एक वी निक, वर्चुअल NIC यहाँ पे होती है, राइट। और ये जो होता है ना, ये लेट से अगर हम बात करें, ये एक फिजिकल मशीन में हम लोग बनाए हैं, वर्चुअल मशीन हम कहाँ बनाएंगे, अपने डेटा सेंटर के रैक, रैक में जो फिजिकल सर्वर है उसी के अंदर तो बनाएंगे हम ना इसे। तो लेट से ये हमारा एक यहाँ पर फिजिकल सर्वर है डेटा सेंटर के अंदर, और उसमें एक वर्चुअल मशीन में बना रहा हूँ। अब ये क्या होगा, ये NIC पोर्ट जो है ये कनेक्टेड रहेगा हमारे वर्चुअल मशीन से, यहाँ पे एक वी स्विच है, वी स्विच के द्वारा ये कनेक्टेड रहेगा, और ये कनेक्टिविटी, इसी को हम कहते हैं वर्चुअल टू फिजिकल कनेक्टिविटी। मतलब ये रिसोर्सेस कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारे जो फिजिकल सर्वर है उसके NIC पोर्ट से ही रिसोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल,
यहाँ पे एनआईसी हो गया, यहाँ से ये वर्चुअल एनआईसी हो गया। अब फिजिकल एनआईसी से वर्चुअल एनआईसी की कनेक्टिविटी होती है, राइट। और ये जो एनआईसी पोर्ट है, जो एनआईसी विनिक है, ये जो होती है ना, यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप होता है जिसको हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बोलते हैं। इसको बोलते हैं एनएसजी, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, जो इनबाउंड आउटबाउंड सिक्योरिटी को फिल्टर करती है यहाँ पे जो भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या हो गया, एक तो हमारा इमेज हो गया, एक हमारा एनआईसी हो गया, एक एनआईसी हो गया, यहाँ पे एक एनआईसी है वीनिक जिसे हम बोल रहे हैं वीनिक, है ना। और एक क्या हो गया, एनएसजी हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक पब्लिक आईपी होती है इस वर्चुअल मशीन पे, क्या होती है, एक पब्लिक आईपी होती है। इसी पब्लिक आईपी से हमारा जो हमारे जो क्लाइंट होते हैं, पब्लिक आईपी से हमारे क्लाइंट कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर इसके पूरे रिसोर्सेज की बात करें, अभी फिलहाल एज प्रेजेंट यहाँ पे देखोगे तो एक तो हमारा क्या हो गया, पब्लिक आईपी हो गया, राइट। एक हमारा एनआईसी हो गया, एक हमारा एनएसजी हो गया, और एक वर्चुअल डिस्क हो गया, राइट। तो ये सारे जो हमारे इस वर्चुअल मशीन से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स। ये सभी रिसोर्सेस हैं और इनका एक कलेक्शन हो जाता है, इसीलिए इनका नाम पड़ गया रिसोर्स ग्रुप, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स ग्रुप। तो अजोर पोर्टल के ऊपर रिसोर्स ग्रुप क्या है, राइट, कलेक्शन ऑफ ऑल हार्डवेयर, राइट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या रिसोर्सेस, जिसे को हम रिसोर्स ग्रुप बोलते हैं, जो रिसोर्सेस ये प्रोवाइड करे। अब एक वर्चुअल मशीन चलाने के लिए, अब बताओ अगर ये नहीं रहेगा तो वर्चुअल मशीन बनाने का क्या मतलब है, डिस्क ये भी जरूरी है। अगर एनआईसी नेटवर्क नहीं रहेगा तो फिर हमें फायदा क्या हुआ, कनेक्टिविटी कैसे हम करा पाएंगे। तो सभी रिसोर्सेज जरूरी है, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, रिसोर्स ग्रुप। आई होप आपको समझ में आया होगा रिसोर्स ग्रुप क्या है। तो राइट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज, राइट। कंप्यूटिंग सर्विसेज मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी है, स्टोरेज, वर्चुअल मशीन, नेटवर्क, है ना, एनएसजी, ये सभी हमारे रिसोर्सेस हैं, इसी को हम रिसोर्स ग्रुप होते हैं। ये एक बंडल बना दिया गया, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स ग्रुप बोलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है हाउ टू डिलीट, तो डिलीट करना मैं बताऊंगा अभी, और व्हाई शुड डिलीट, अगर हम डिलीट रिसोर्स ग्रुप को क्यों करें, तो कोई जरूरी नहीं है। आप जब एज्योर पोर्टल पे जाते हो, चलो लेट्स ओपन रिसोर्स ग्रुप, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चलो यहाँ पे मैंने एक वर्चुअल मशीन बना रखा है, यहाँ पे ये वर्चुअल मशीन है। जब ये इस वर्चुअल मशीन को आप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, देखो यहाँ पे जाओ नीचे, वर्चुअल मशीन या नेटवर्किंग दिखेगा, यहाँ पे आपको ये एक प्राइवेट आईपी दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे एक डिस्क दिख रही है, राइट। और अभी इसको अगर हम ऐसे देखेंगे, यहाँ पे अगर हम जाएं वर्चुअल मशीन के नेटवर्क पे हम जाते हैं, नेटवर्क में जाते हैं, तो देखो ये इसका एक नेटवर्क है, राइट। और इसकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, VM1, ये देखो यहाँ VM1, ये नेटवर्क इंटरफेस है। इस नेटवर्क इंटरफेस के मदद से हमारे यूजर कनेक्ट होंगे, ठीक है। ये नेटवर्क इंटरफेस हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक पब्लिक आईपी हो जाएगी, राइट। तो ये सभी वीएम के साथ, जब हम वीएम क्रिएट करते हैं तो उसके साथ ये क्रिएट होता है।
चलो अब हम इसको यहाँ पे दिखाते हैं। अगर आप रिसोर्स ग्रुप में जाओ, तो जब हम वीएम बनाते हैं तो रिसोर्स ग्रुप इसलिए होता है। अब ये अगर इस ये मैंने रिसोर्स ग्रुप में बनाया क्या, माई आर जी, इसके अंदर आप देखोगे तो हमने अब इस रिसोर्स ग्रुप में जो जो हम क्रिएट करेंगे, अभी फिलहाल एक वीएम है, तो यहाँ देखो दिख रहा है वीएम 1, और VM1 के साथ साथ क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो IP, एक पब्लिक IP दिख रही है, एक वर्चुअल मशीन दिख रही है, एक पब्लिक IP दिख रही है, और एक यहाँ पे क्या दिख रहा है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप दिख रही है, एक वर्चुअल नेटवर्क दिख रहा है यहाँ पे VNet, राइट, और एक क्या दिख रहा है यहाँ पे, नेटवर्क इंटरफेस जो अभी मैंने दिखाया है आपको, नेटवर्क इंटरफेस। अगर इसके नेटवर्क पे जाके देखोगे तो नेटवर्क इंटरफेस आपको दिखेगा, राइट। और ये सभी जो है ना, ये एक डिस्क दिख रही है आपको जो मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये सारी वही तो है, एक डिस्क दिख रही है वहाँ पे आपको, एक एनर्जी दिख रही है, वीनिक दिख रही है आपको, पब्लिक आईपी दिख रही है, ये सारा क्या है, रिसोर्स ग्रुप है, राइट, इनका एक रिसोर्स ग्रुप है। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमें इनको इसमें से कोई एक नहीं चाहिए, जैसे मान लो लेट्स अगर हमें वीएम नहीं चाहिए, तो वीएम को आप सिलेक्ट करो यहाँ पे और इधर आ जाओ, यहाँ पे 3 डॉट दिखेगा, यहाँ जाकर आप इसको डिलीट कर सकते हो, तो एक वीएम डिलीट हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली अगर चाहो तो दो चीज़ें डिलीट करना, वीएम के साथ हम चाहते हैं कि पब्लिक आईपी डिलीट हो जाए और कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हो जाए, तो आप इसको भी आप जाकर डिलीट कर सकते हो यहाँ पे, तो मल्टीपल रिसोर्सेज को भी एक साथ डिलीट कर सकते हो, 2 या मोर देन 2। अगर हमें सारे रिसोर्सेज को एक साथ डिलीट करना है तो हम क्या करें, फिर हमें यहाँ नहीं जाना, हम डायरेक्ट यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी भी होता है, अगर आप एक मतलब ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हो है ना, तो आपको डिलीट कर जो भी लैब आप करो, डायरेक्ट यहाँ पे आपको करना क्या होता है, ये इंडिविजुअल ना डिलीट करके डायरेक्ट आप यहाँ से डिलीट करो, क्लिक करो डिलीट रिसोर्स ग्रुप, पूरे ग्रुप को ही डिलीट करो। जब रिसोर्स ग्रुप को मैं सेलेक्ट करूंगा तो देखो उसके अंदर के VM1, इधर वर्चुअल मशीन, पब्लिक आईपी, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है ना, वर्चुअल नेटवर्क एंड नेटवर्क इंटरफेस, ये सारे डिस्क, ये सभी डिलीट हो जाएगी यहाँ पे, राइट। तो आप चाहो तो इंडिविजुअल डिलीट करो। दूसरा तरीका क्या है, आप चाहो तो जैसे अगर हमें केवल VM डिलीट करना है तो हम फिर यहाँ पे जाएंगे, ऑल सर्विसेज पे चले जाओ और वीएम आपके पास यहाँ आएगा, आप चाहो तो यहाँ से वीएम को डिलीट करो, इसको सेलेक्ट करो और वीएम की ओर डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे आएगा 3 डॉट कहीं आएगा और यहाँ से डिलीट कर सकते हो, तो इस केवल वीएम को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर हम यहाँ से डिलीट कर दें रिसोर्स ग्रुप को, अगर ये पूरे रिसोर्स ग्रुप को हम डिलीट कर दें यहाँ से, तो फिर इस यहाँ से तो इसमें सब कुछ डिलीट हो जाता है। तो ये इस रिसोर्स ग्रुप को मैं दिखा रहा हूँ डिलीट करके आपको, ये इस रिसोर्स ग्रुप का नाम है माई आर जी, और यहाँ से डिलीट कर दो एक ही बार में। इस रिसोर्स ग्रुप में जितने भी रिसोर्सेस हैं इस वर्चुअल मशीन से रिलेटेड, वो सभी के सभी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा लैब करना है तो जो भी आप रिसोर्सेस बनाते हो उसको डिलीट कर देना चाहिए, नहीं तो जल्दी जल्दी से बिल आपका कटेगा, फिर आप सारे लैब नहीं कर पाओगे शायद, ठीक है, तो इसलिए डिलीट। अब मैंने सभी रिसोर्सेज को एक साथ डिलीट किया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अगर इसको देखोगे आप तो रिसोर्स ग्रुप और यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, देखो डिलीट हो रहा है, डिलीटिंग, राइट, तो कुछ ही मिनट लगेगा, अभी डिलीट हो जाएगा, एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो बेस्ट तरीका होता है, देखो अगर आप फ्रेशर हो, अभी सीख रहे हो, लर्नर हो, तो आपको कुछ नहीं करना होता, ब्लाइंडली आपको रिसोर्स ग्रुप को सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है, ठीक है। और जब आप प्रोफेशनल बनोगे इसमें और क्लाउड पे काम करना शुरू कर देंगे, तो आप वहाँ पे स्पेसिफिक आप सर्विसेज को वहाँ पे डिलीट कर सकते हो, रिसोर्स ग्रुप के जो भी सर्विसेज चाहो।
कई सारे रिसोर्सेस है इसलिए थोड़ी सी टाइम लग रही है। जब ये डिलीट हो जाता है तो यहाँ नोटिफिकेशन आता है, मालूम है ना आपको, यहाँ से स्टिल इज डिलीटिंग। कई सारे रिसोर्सेस है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अभी डिलीट हो जाएगा। जो भी हमारे सारे वीडियो को देख रहा है, अगर आप देख रहे हैं अभी तक, आप हमें कमेंट करना है और कमेंट करके बताओ कि अगर हम क्लासेस जो पढ़ते हैं, जो बोर्ड पे क्लास करते हैं, व्हाइट बोर्ड है, अभी फिलहाल डिजिटल बोर्ड नहीं है, आप लोग सपोर्ट करो तो जल्दी डिजिटल बोर्ड ले लेंगे आप लोगों क्लासेस के लिए। तो आप को क्या ऐसे स्लाइड पे हम बताते हैं ये सही रहता है, या बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो सही रहता है, किस पे ज़्यादा आपको समझ आता है? ठीक, देन आई विल ट्राई टू चेंज जो भी है। तो देखो आई थिंक नो स्टिल इज डिलीटिंग। सो गाइस देखिए एट लास्ट, देखिए कुछ टाइम लग जाता है यार, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं तो एजर को टाइम लग जाता है डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो हड़बड़ाने से नहीं होता है, और देखेंगे हम बीच का वीडियो पॉज कर देंगे, आप टेंशन नहीं लेना। यहाँ देखिए डिलीट हो गया है तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है और सारे सर्विसेज डिलीट हो चुके हैं। अब हम जाके देखेंगे ऑल सर्विसेज में, अगर आप रिसोर्स ग्रुप में देखो कोई रिसोर्स ग्रुप आपके पास नहीं है जो हमने बना रखा था माई आर जी। और अगेन इफ यू गो वर्चुअल मशीन, सो यू डोंट हैव वर्चुअल मशीन, राइट। तो इस तरह से हम जब जैसे हमने कोई भी टास्क कर रखा है यहाँ पे, वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल मशीन, तो आपको ये स्पेसिफिक नहीं डिलीट करनी, डायरेक्ट आप रिसोर्स ग्रुप को टारगेट करो। रिसोर्स ग्रुप डिलीट करने से बेनिफिट है, उससे अप लिंक जो भी है सभी डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही इस वीडियो में, आई होप आपको समझ में आ रहा। थैंक यू।